श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे में विराट कोहली ने 110 गेंद पर 166 रन की नाबाद पारी खेलकर इतिहास रच दिया। विराट कोहली की इस पारी की बदौलत भारतीय क्रिकेट टीम श्रीलंका के खिलाफ 390 रन का स्कोर खड़ा करने में सफल रही। विराट ने 166 रन की नाबाद पारी खेलकर कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। यह विराट कोहली का वनडे फॉर्मेट में 40वां शतक है। अब विराट कोहली सचिन तेंदुलकर से 3 शतक दूर हैं। सचिन तेंदुलकर 463 वनडे मैच खेलने के बाद 49 शतक बनाए हैं, जबकि विराट कोहली 268 वनडे मुकाबला खेलने के बाद 40 शतक बनाए हैं। विराट कोहली इस फॉर्मेट में अगर 4 और शतक बनाते हैं तो वे वनडे फॉर्मेट में सबसे अधिक शतक बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन जाएंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है। सचिन तेंदुलकर ने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट को मिलाकर कुल 100 शतक बनाए हैं, जबकि विराट कोहली इस लिस्ट में भी दूसरे स्थान पर हैं। विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 74 शतक बनाकर सचिन के बाद दूसरे स्थान पर बरकरार हैं। विराट कोहली वनडे फॉर्मेट में 12,730 रन पूरे कर लिए हैं। वनडे में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में विराट कोहली अब 5वें नंबर पर आ गए हैं। पहले नंबर पर अब भी सचिन तेंदुलकर बरकरार हैं। श्रीलंका के खिलाफ विराट कोहली का यह 10वां शतक है, जो एक देश के खिलाफ किसी भी खिलाड़ी द्वारा लगाया गया सर्वाधिक शतक है। विराट कोहली का वनडे में 166 रन का स्कोर दूसरा व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। इससे पहले 2012 में पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली ने 183 रन की पारी खेली थी, जो विराट कोहली का वनडे में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत स्कोर है।